तो यार हमारे स्वाटर का भी आज लास्ट दिन है भाईजान, और यहाँ पे मैं आज इसको सुबह का इसके पास नहीं गया, अभी मैं इसके पास आया हूँ और ये खाना वगैरह अल्लाह का शुक्र खा रहा है। और हमारा बुलबुल तो भाई है, अल्लाह के दावे कुर्बान हो गया, ये उसकी जगह थी, वहाँ पे भी बैठता था और यहाँ पे भी। अभी ये रह गया स्पाटर, और ये स्पाटर को भी हमने सुबह भैया अल्लाह के दावे कुर्बान कर देना। हाँ बहुत फिर जगह दास हो जाएगी, ये देख रहे हैं आप सारा जो भी इतने जितना भी है यहाँ पे, ये सारा भाई इनका ही है, ये कचरा वगैरह जितना भी है। तो बस ये यहाँ पे इनकी कुछ यादें जुड़ी हुई हैं थी हमारे साथ। ये भी सुबह को ये है कि ये भी सुबह को चले गए, क्या कह सकते हैं, हकीकत भाई जान यही है, अल्लाह के राह पे तो जानवर ने जाना ही है, अब क्या कर सकते। तो यार हमारा वाला ना स्पॉटर जो है सुकून से बैठा हुआ है, और अब मैं इसको तंग नहीं करता है, सोने देता हूँ, पानी शानी इसको बुला दिए, खाना वगैरह भी इसने खा लिया है। ओह सुबह ये भाई साहब यहाँ पे नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज भाई जान हम ना अपने स्पॉटर को सुबह करने लगे हैं, मैं अभी बहुत लेट हो गए हैं, उठा ही नहीं हूँ, अभी मेरी आँख खुली है तो मुझे पता चला कि वो भाई ना वहाँ पे ले गए हैं उसको, जहाँ पे हमें ज़िबा करना है ना सामने वाली जगह पे, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भरी जगह, यहाँ पे यार सारी मिट्टी मिट्टी है ना, तो इसलिए यहाँ पे ज़िबा नहीं करते, क्योंकि वो सारा गोश्त वगैरह और उसकी सारे जो है ना खाद वगैरह सारी ख़राब हो जाएगी मिट्टी की वजह से। और ये परिंदे शरिंदे भी आज वहाँ तक जा रहे हैं आगे, तो वो यहाँ पे स्पॉटर खड़ा रहता था ना, तो फिर ये आ कि ये डक्स वगैरह ये जो है मुर्गियाँ शुर्गियाँ ये उस साइड पे भाई जाती नहीं थी, फिर उसकी वजह से उससे डरती थी ना कि मारता भी था, टांग वगैरह भी मार देता था, लेकिन रात का बेचारा बस थोड़ा बहुत परेशान परेशान था, मतलब कि उसको पता चल ही जाता है जानवर को कि हमने भाई चले जाना है या नहीं, जो भी है वल्लाह आलम पता चलता है कि नहीं, लेकिन वो रात का सुस्ती था, चुप चुप बैठा हुआ था बेचारा, और बस दिल मेरा ना थोड़ा सा दास दास हो रहा है, क्योंकि उसके साथ काफ़ी दिन स्पेंड किए हमने, तो आज उसको भाई हम ज़िबा करने लगे हैं, तो चलते हैं वहाँ पे और जाके उसको ज़िबा करते हैं। इंजॉय करो यार आप लोग, आज आपका यहाँ पे जो साथी थे दूसरा वो भी जा रहा है, एक तो भाई बबलू जो है ज़िबा हो गया है, और स्पॉटर की बारी है। यार ये भाई जान बहुत ज़्यादा डर है, अभी इसके पास नहीं जा रहे, हमने डिसाइड किया है कि इसको बांधे हुए कर देना है, खोलना वगैरह नहीं है भाई, मैं भाग भी सकता है क्योंकि ये डरा हुआ है। तो यार स्पॉटर हमारा ना अल्लाह की राह पे कुर्बान हो चुका है, और यहाँ पे बुलबुल होता था इस जगह पे, और वो भाई जगह स्पॉटर की थी, तो मैंने अभी कुछ ना यहाँ पे सफाई वगैरह की है, ताकि ना ये बहुत ज़्यादा कचरा था ना यहाँ पे, तो मुर्गियाँ वगैरह जिस तरफ ना हो, तो अभी ये मैंने कुछ सफाई करके ना वहाँ पे सारा गंद वगैरह फेंक दिया, अभी ये बहुत ज़्यादा कचरा आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा ढेर है, ये सारा ढेर उठाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कचरा हो गया। और ये जो केजीज हैं ये भी अभी स्टार्ट करने हैं, इनको भी काफ़ी टाइम लग गया है, क्योंकि ईद आ गई दरमियान में, फिर ईद में ये है कि जानवरों को हम मंडी जाते रहे, वहाँ पे सारे लोग से लोग बनते रहे हैं, तो यहाँ पे सेटअप को भी इतना टाइम नहीं दे हुआ, तो अभी यहाँ पे इंशाल्लाह तआला ये सारे जो सेटअप को टाइम देना है, तो यहाँ पे ये सारे केजीज वगैरह भी सही करने हैं, पेंट शेंट भी करने हैं, और वो जो केजीज न्यू वाले हैं ना वो भी हमने ना बहुत जल्दी इंशाल्लाह तआला बना लूँगा। तो यार मैं ना मास्टर केज में देख लेता हूँ, कोई खुशखबरी वगैरह, कोई परिंदे ने अंडे या कोई
बच्चा वगैरह निकला हो उस वही बॉक्स में, तो अभी कोई भी नहीं वहाँ पे बैठ गया आगे, बल्कि एक कबूतर बैठा हुआ है उसके अंदर। और दूसरा मैं आपको दिखाऊँ ये वाले देखें माशाल्लाह कितने बड़े हो गए हैं कबूतर जो हैं, ये कितने ज़्यादा बड़े हो गए हैं। और अभी ये ना बस उड़ने उड़ते नहीं हैं, बाकी खाना पीना भी अभी खुद ही खाते हैं, पानी भी पी लेते हैं, दाना वगैरह भी खुद ही खा लेते हैं, और यहाँ पर बैठे रहते हैं। और यहाँ पर मैं देखता हूँ यहाँ पर भाई साहब मुझे लग तो है कि अंडा एक पला तो हुआ, अंडा एक यार इसके अंदर पला हुआ है, अभी हो सकता है एक और अंडा दे, दो अंडे हो फिर इनको इंक्यूबेट करें अच्छे से, और फिर इंशाल्लाह ताला बड़े बड़े बच्चे जो है ना हो जाएं, ये भी बड़े हो जाएं, और जो और बच्चे हैं वो भी जल्दी जल्दी बड़े हो जाएं। यहाँ पे इसको पता नहीं क्या हुआ है, वो माशाल्लाह इसने भी यार अंडे दिए हुए हैं, ये देखें नीचे अंडा पला हुआ है, अंडे एक है या दो, दो ही है। और यार मैंने उसको उठा दिया है, उसको मैंने फूल में उठा दिया, दो अंडे यार उसके नीचे भी पड़े हुए हैं वो देखें। अभी अल्लाह करेगा इसके अंदर भी बच्चे निकलेंगे बहुत प्यारे, वो ये वाले निकलेंगे ना ये है अभी बहुत प्यारे कबूतर ये वाले। तो यार इस केज के अंदर ना आपको पता होगा कि दो हमने ना एक पैर पूरा रखा था, मतलब दो चूजे रखे थे, और ये मुर्गा तो मुर्गा मुझे लग रहा है ये माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। और जो उसके साथ वाली वाइट मुर्गी थी ना वो उसको भाई पता नहीं क्या मसला, वो बीमार हो गई थी, उसकी मैंने ट्रीटमेंट करने की कोशिश की लेकिन वो सर्वाइव नहीं कर सकी, वो मर गई थी। तो अभी मैं क्या करूँगा कि इंशाल्लाह ना, लेकिन थोड़े से वेट के बाद, अभी नहीं क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा, अभी कुछ मुझे इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद मैं ना काफ़ी ज़्यादा चूजे लेके आऊँगा, जिस जितना जितना ये है ना उतने लेके आऊँगा, ताकि ना इसके साथ वो ना पल जाएंगे भी सारे, और ये भी उदास नहीं होगा, अभी अकेला ज़्यादा उदास बैठा रहता सारा दिन के लिए। यार जहाँ पे धूप देख रहे हैं आप इतनी ज़्यादा है, ये भाई साहब कहना टूटने की वजह से ये भी कहना सूख गया है, और इस साइड पे जो बड़ा चैनल था ना जो सारी हमारी इस जगह को कवर करता था, छांव रहती थी, वो भी टूट गया था आपने देखा था, और ये वाले उसके ये पड़े हुए हैं, बाकी तो हमने बाहर फेंक दिया था। तो अभी यहाँ पर ना पौधे वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, उसके बगैर भाई बिल्कुल गुजारा नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, और तरपाल भी उस हिसाब से काम नहीं कर रही, पौधे होंगे ना तो फिर कुछ हवा भी चलती रहेगी और छाँव भी उनकी सही रहेगी, ठंडी छाँव रहेगी। तरपाल तो मैंने ना नीचे कर दी है गर्मी की वजह से, अभी कुछ छाँव हो गई है। और यहाँ पर मैंने ना अभी अभी देखा कि हमारी जो एक डब ने भी यहाँ पर भाई अंडा दिया हुआ है, और टोकरी भाई इसकी नीचे गिरी हुई है, ये पता नहीं कैसे नीचे गिर गई है, और अंडा इन्होंने भाई नीचे मुझे लगता है टोकरी के अंदर ही था तो नीचे गिर गया अंडा, ये मैंने ना यहाँ पर लगाई हुई थी ताकि इसके अंदर भाई अंडे वगैरह दें अगर देने हैं तो, लेकिन भाई साहब ये टूट गई, पता नहीं टूटी नहीं है गिर गई थी नीचे अंडा, अभी मैं छेड़ता नहीं हूँ, देखता हूँ अगर तो उन्होंने खुद ही दिया होगा ना, यहाँ पे बैठी थी तो फिर नहीं मैं छेड़ूंगा, अगर यहाँ पे ना बैठी तो फिर मैं उठा कर ना उस टोकरी के अंदर रख दूँगा। यार स्पाटर वाला ना बहुत ज़्यादा भाई मारता था, डरता था, डरने की वजह से मारता था, मारने वाला है नहीं था लेकिन डर गया था, जिसमें कल दिन ले गए उसकी वजह से ना फिर ना मारने लग गया था, जो पास आता था उसको मारता था, लेकिन ना अभी हमारे भाइयों के साथ वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो गया था तो हमारे पास आ जाता था, तो हम उसको खाना वगैरह खिलाते रहते थे ना तो हमारे पास आ जाता था, कुछ भी नहीं कहता था, तो पर क्या करें मजबूरी है, कुर्बान तो करना ही था, तो फिर वो अल्लाह की राह पे कुर्बान हो गया, और जगह फिर वहाँ की खाली गई। मैं अब सोच रहा हूँ कि कोई ना जानवर लेके आऊँ जो मैं ना अगली ताकि इंशाल्लाह टेक केयर करूँ, एक साल पूरा उनको पालूँ, फिर उसके बाद अल्लाह की राह पे कुर्बान करूँ, उसका फिर ज़्यादा मज़ा होगा इंशाल्लाह। तो स्पाटर की कुछ मेमोरी है मेरे पास, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखें जी बिलाल भाई बड़ा फिर आके चेक कर रहे हैं, तसल्ली कर रहे हैं। चलो जी अल्हम्दुलिल्लाह, हल्की कितने तक ला दे सारी भाई, वेला भाई चल रहा है, अभी जाकर उतारेंगे तो फिर पता चलना क्या होना है इसके साथ, मुझे खुद डर लग रहा है कि क्या होगा। छड़ी हो ना इधर देख तेरे वीर निकाल। तो यहाँ देखे माशाल्लाह ये रैबिट्स का चारा जैन तो उसने उठा के दिया है, और ये खा रहे चल चुक लिया ओ,